नमस्कार, स्वागत है आपका आईएनएन 24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी की गुम हुई चीज यदि किसी को मिल जाए तो वह अपना समझकर रख लेता है, लेकिन जगदलपुर के लोगों ने कई मिसालें पेश की है। आज भी एक मामला देखने को मिला है। जगदलपुर बालाजी वार्ड की रहने वाली शीला नेताम किसी काम से झनकार टॉकी चौक गई हुई थी, तभी उनकी नजर एक छोटे से बैग पर पड़ी जिस पर ज्वेलर्स लिखा हुआ था। महिला ने अपनी गाड़ी रोकी और उसको उठाया और खोलकर देखा। उस बैग में 2 सोने की झुमके थे। उन्होंने इधर उधर देखा, जिसके बाद वह सीधे कोतवाली थाने पहुंचकर थाना प्रभारी एमन साहू को पूरा वाकया बताया। वह झुमका वाला बैग थाना प्रभारी को सुपुर्द कर दिया। कुछ ही देर बाद जिस महिला का सामान गुम हुआ था वह भी कोतवाली थाने पहुंच गई और उस महिला ने थाना प्रभारी को आपबीती बात बताई। उन्होंने उस महिला को वह सोने का झुमका दिखाया तो वह पहचान गई। तब थाना प्रभारी ने शीला नेताम को बुलवाया और उन्हीं के हाथों से सोने के झुमके उस महिला को वापस दिलवाए। गुम हुआ सोना पाते ही महिला के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। यदि इसी प्रकार हर व्यक्ति अपना दायित्व निभाए तो लोगों के गुम हुए सामान मिल सकते हैं। इसलिए कहते हैं, ईमानदारी व इंसानियत आज भी जिंदा है। गुम हुए झुमके को पाने के बाद शांतिनगर निवासी शीतल श्रीवास्तव ने बस्तर पुलिस के साथ थाना प्रभारी एमन साहू व शीला नेताम के प्रति आभार व्यक्त किया। काफी देर से देख रहे थे हम लोग, मैं और मेरे लेबर, हम लोग उतरे नीचे। लेबर को बोले, लेबर बोली थोड़ा सा डर गई, तो मैं उठाई और लाई। लेबर बोली सोने का है, और बोले कि ठीक है भाभी, इसमें सब जो मिलेगा ठीक है। तो मैं खाने में ले आई, खाने में जिंदा था वो थोड़ा देर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।